लाइव सीरीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। समाज सुधार अभियान के तहत आज मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा शराबबंदी कानून का कड़ाई से हो रहा है पालन। तेजस्वी यादव आज पटना के कई इलाकों का किया दौरा। डीएम को सीधे लगा दिया फोन। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने एमएलसी चुनाव में उतारे कई उम्मीदवार। दूसरी ओर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी ने की पार्टी मुख्यालय में बैठक। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कल करेंगे राजभवन का घेराव। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दी आज नए साल की पार्टी। मुंगेर को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिए संकेत। भागलपुर ब्लास्ट में हुई अब 15वीं मौत, पुलिसिया जांच जारी। और बक्सर के चौसा में अपहृत बच्चे का मिला शव। अब खबरें विस्तार से। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधेपुरा पहुंचे। आज भी उन्होंने शराबबंदी के फायदे बताए। उन्होंने शराब पीने से कई बीमारियां होने की बात कही। उन्होंने बाल विवाह को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाल विवाह के कारण कई तरह की समस्याएं होती है। इस वजह से ही बौने और मन बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। अभी लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है, जिसे बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव भी केंद्र ने रखा है। दहेज प्रथा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दहेज लेने वाले लोगों पर आश्चर्य लगता है। उन्होंने लोगों से कहा कि दहेज लेकर शादी करने वालों का बहिष्कार करें। दहेज न लेने वालों की शादी में ही आप लोग जाएं। ये भी कहा कि अब ताड़ के पेड़ से ताड़ी की जगह नीरा निकाला जाएगा। नीरा पियेंगे तो अच्छा लगेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पटना के कई इलाकों का दौरा किया। वे सबसे पहले हड़ताली मोड़ के निकट मछली बाजार गए। इसके बाद वे धोबी घाट पहुंचे। मछली बाजार में लोगों ने तेजस्वी यादव को घेरकर अपना दर्द सुनाया तथा उसे दूर करने के लिए उनसे गुहार लगाई। इसके बाद तेजस्वी ने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से फोन पर बात की। उन्होंने डीएम से यहां के लोगों की समस्या को दूर करने की बात कही। मछली बाजार में रहने वाले लोगों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी पर सरकारी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया और इसकी शिकायत तेजस्वी यादव से की। बाद में तेजस्वी धोबी घाट भी गए। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से आज एमएलसी चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। पटना में मीडिया से बात करते हुए लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत जल्द और भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कुछ सीटों पर पार्टी कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन भी देगी। वैशाली और सारण जैसी सीटों पर भी पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी। फिलहाल पार्टी ने गया जहानाबाद अरवल से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा मधेपुरा सुपौल से गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को उतारा है। एमएलसी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी समेत अनेक विधायक व नेता शामिल हुए। इसमें एमएलसी चुनाव में संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई। बाद में संजय जायसवाल ने मीडिया से कहा कि बैठक में सभी 12 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर वे केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। बीजेपी के अलावा एनडीए में शामिल जदयू व आरलोजपा भी एक साथ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। बता दें कि 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, जबकि 11 सीटें जदयू और एक सीट आरलोजपा के खाते में गई है। पप्पू यादव की जाप पार्टी कल विभिन्न मामलों को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। राजभवन मार्च में उनके साथ 20,000 युवा भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जमीन और बालू माफियाओं को राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। उसके आतंक के खिलाफ जन अधिकार पार्टी राजभवन मार्च करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार रोजगार देने में विफल है। रोजगार के नाम पर सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। पार्टी रोजगार के लिए आंदोलन करेगी। बीजेपी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आज पटना स्थित आवास पर नए साल की पार्टी दी। दरअसल वे हर साल पटना में पार्टी देते हैं। आज की पार्टी में बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधायक नंदकिशोर यादव, विधायक संजीव चौरसिया, संगठन प्रभारी नागेंद्र समेत अन्य लोग पहुंचे थे। उनकी पार्टी में काफी संख्या में मीडिया के लोग भी शामिल हुए थे। सुशील मोदी ने कहा कि वे हर साल नए साल का भोज देते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले साल ये नहीं हो पाया था। मुंगेर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसके संकेत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिए हैं। ललन सिंह मुंगेर के स्थानीय सांसद भी है। ललन सिंह ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया है। इसके लिए जिला मुख्यालय के आसपास की जमीन चयनित कर सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश जिला प्रशासन को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना आम लोगों की पुरानी मांग है। इसे लेकर उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का आग्रह किया था। पुल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति भी जताई थी।
भागलपुर बम ब्लास्ट मामले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस कांड में अब मृतकों की संख्या 15 हो गई है। धमाके में घायल हुई आयशा मंसूर ने शनिवार की शाम दम तोड़ दिया। गंभीर अवस्था में सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि गुरुवार की देर रात लीलावती देवी के घर हुए धमाके के दौरान आयशा के घर का एक हिस्सा भी डैमेज हो गया था। इसी दौरान आयशा जख्मी हो गई थी। परिजन सिलीगुड़ी में इलाज करा रहे थे। वह स्नातक की छात्रा थी। दूसरी ओर भागलपुर ब्लास्ट की जांच आज तीसरे दिन भी जारी है। एटीएस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आतंकी कनेक्शन के एंगल से भी इसकी तफ्तीश की जा रही है। बक्सर के चौसा में आज उस समय जब सनसनी मच गई, जब दो दिन पहले अपहृत बच्चे का शव मिला। उसका शव गंगा नदी में उपलता हुआ मिला। उसकी पहचान 4 साल के सैयद जावेद के रूप में की गई है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बच्चे के गायब होने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पिता सैयद निहाल के अनुसार उसका 4 वर्षीय बेटा 2 दिन पहले अचानक घर से गायब हो गया था। घबराए परिजनों ने गांव-गांव में घूमकर बच्चे को खोजा। रेलवे स्टेशनों पर भी जाकर देखा। सोशल मीडिया पर भी गुम हुए बच्चे की तस्वीर पोस्ट की। आज बच्चे का शव मिला तो घर में कोहराम मच गया है। पटना में आज अनियंत्रित हाइवा ने बाइक सवार मामा भांजा को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पटना नौबतपुर मार्ग पर चैनपुर गांव के नजदीक में हुई है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम खत्म कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार मामा विश्वनाथ अपने भांजा अरविंद साहू के साथ जमीन नापी कराने के लिए दरियापुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ने दोनों को रौंद डाला। घटना की जानकारी मिलते ही काफी लोग संख्या में जुट गए। दोनों को जब तक लोग अस्पताल ले जाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। और हाँ, अब हमारे साथ ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।